चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। और लगातार हमारे द्वारा बातचीत किया जा रहा है आपसे, आपसे हम बात कर रहे हैं टीटी आर्ट के अंतर्गत उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी व्यापक महत्व रखते हैं। दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टीटी आर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रोजाना हमारी आपकी बातचीत हो रही है। सुबह 8 बजे अर्थात 8 से 9 के बीच में हम लोग टीजीटी आर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार अपनी दृष्टि बना करके उसके बारे में एक बेहतर समझ बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस प्रैक्टिस श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ें और हम आपसे आगे बातचीत करें, हम एक बार चाहेंगे कि आप कमेंट्स ले लें और कमेंट्स के आधार पर आप एक बार कंफर्म करा दीजिएगा कि सब कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर है एक बार कंफर्म करा दीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए एक बार आप कमेंट करेंगे। चलिए तब से मैं प्रवीण गुप्ता जी एक मैसेज किए हुए हैं कि गुड मॉर्निंग सर, सर जी प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, बीएड नहीं है। देखिए अगर आप कक्षा 12वीं में प्राविधिक कला है और आप बीएड किए हो या ना किए हो, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अपनी तैयारी एक व्यवस्थित क्रम पर कर लीजिए क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर तैयारी और टीजीटी आर्ट ने बताया था बहुत आसान है, बस तैयारी करने का तरीका सही होना चाहिए, सही मटेरियल से पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये सब बातें आपके लिए काफी अहम है। चलिए बिल्कुल सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए बिल्कुल चलिए सब क्लियर है। चलिए बातचीत की श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाते हैं और चलिए कमेंट लेंगे और इसी तरीके से अभी लास्ट में आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातचीत भी किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्रम की ओर आते हैं। कह रहा मुगल का मुगल देखिए काल कह रहा लेकिन कला होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मुगल ये ध्यान दीजिएगा कला होगा। मुगल कला का स्वर्ण युग था, मतलब मुगल कला किसके काल में अपने सबसे चरम पर पहुंचा या कौन सा काल, मतलब किसका काल स्वर्ण युग के नाम से रहा। कह रहा अकबर के समय पर, जहांगीर के समय पर, कह रहा बाबर के समय पर और कह रहा क्या शाहजहां के समय पर। तो एक बार कमेंट करिएगा। चलिए बिल्कुल एक बार कमेंट करिएगा। चलिए कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 1 के लिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। और आप ध्यान दीजिएगा 1627 से लेकर के लगभग कितना 1656 ये माना जाता है, मतलब कितना वर्ष 30 वर्ष माना जाता है कला का क्या स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। तो अब आप बताएंगे कि अच्छा अब यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से तर्क कर सकते हैं कि 1627 से लेकर के 1656 मध्य किस शासक ने यहां पर या किस शासक का काल था उसके आधार पर भी आप यहां पर बता सकते हैं। कह रहा क्या अकबर का यह समय, कह रहा जहांगीर का समय है, बाबर का समय है और कह रहा क्या यह शाहजहां का समय है। तो चलिए हम आपके कमेंट्स भी लेते जाएंगे। चलिए बिल्कुल बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जवाब क्या है बी कह रहे हैं जहांगीर के समय। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये पीजीटी आर्ट का आया हुआ प्रश्न है और आपको पता है कि स्वर्ण युग शाहजहां के समय पे हुआ था। इन्होंने कला को सबसे विशेष प्रोत्साहन दिया, चाहे वह कला जो है कि चित्र के माध्यम से हो, चाहे वह भवन निर्माण के रूप में हो, सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसने दिया था शाहजहां ने दिया था। अतः यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अच्छा मुगल स्थापत्य कला का प्रारंभ, एक प्रश्न और अगर पूछा आपसे, उसने कहा कि मुगल स्थापत्य कला का वास्तविक प्रारंभ। तो अगर मुगल कला का अगर वास्तविक अगर इसके हम बात करते हैं स्थापत्य का वास्तविक प्रारंभ, तो भी आपका आंसर क्या होगा, तो भी आपका आंसर होगा क्या शाहजहां होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए अब एक बार कमेंट करिएगा। हाँ चलिए बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब आपके कमेंट्स आने लगे। लेकिन एक एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जितने लोग लाइव हैं कमेंट क्यों नहीं करते, कमेंट तो किया करिए, चाहे सही होगा या गलत होगा, कम से कम बताने के बाद वो चीजें समझ में तो आ जाएगी। सभी लोग एक बार कमेंट किया करिए। चलिए बिल्कुल, कह रहा है कि सहीब चित्रों को किसके समय में महत्व मिला था। कह रहा कि जहांगीर के समय में, अकबर के समय में, शाहजहां के समय में और कह रहा औरंगजेब के समय में। आप कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 2 के लिए, तब से एक बात ध्यान दीजिएगा, सहीब चित्र किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि व्यक्ति का हूबहु चित्र बना देना, व्यक्ति का हूबहु चित्र बना देना ही क्या कहलाता है, हूबहु चित्र बना देना ही कहलाता है, सही कहलाता है। तो कमेंट करिएगा, चलिए एक बार कमेंट लेते हैं आपके। चलिए बिल्कुल, हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करिए। चलिए बिल्कुल, चलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा ठीक है, सहीब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो पोर्ट्रेट कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सहीब चित्रों को ही अंग्रेजी में पोर्ट्रेट कहते हैं। और सहीब का सीधा सा मतलब है कि जैसे किसी भी व्यक्ति, देखिए प्रतिकृति का नाम सुना होगा या प्रतिरूप का नाम आपने सुना होगा, मतलब एकदम जैसा व्यक्ति है हूबहू वास्तविक चित्रण के, मतलब वास्तविक तस्वीर के जैसा उसका चित्रण या जैसे नकल बना देना, तो इसी को कहा जाता है व्यक्ति का हूबहू चित्र। और यह कला प्रारंभ किया था किसने, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर। सहीब क्या है, तो व्यक्ति के हूबहू चित्र बनाने की एक कला है। और अगर पूछता है कि सहीब को अंग्रेजी में और किस नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको पोर्ट्रेट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बिल्कुल, अब आगे की ओर बढ़िए, आएंगे प्रश्न नंबर 3 के समय, आएंगे प्रश्न नंबर 3 पर आएंगे। और देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं। कह रहा है पहाड़ी शैली में, मुगल शैली में, कंपनी शैली में और कह रहा है कि बूंदी शैली में। आपको प्रश्न नंबर 3 के लिए कमेंट करना है। देखिए शिकार के चित्र मतलब चाहे शिकारी के द्वारा शिकार किया जा रहा हो, चाहे एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का शिकार किया जा रहा हो, के माध्यम से शिकार का चित्र सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस यहाँ पर शैली में दिया गया। कह रहा पहाड़ी शैली में दिया गया, मुगल शैली में दिया गया, कह रहा कंपनी शैली में दिया गया, कह रहा बूंदी शैली में दिया गया। तो देखिए अगर हम बात करते हैं नीचे से, बूंदी शैली की हम बात करते हैं तो ये भारतीय स्थानीय कला के लिए जाना जाता है। अगर हम कंपनी शैली की बात करते हैं तो आप कंपनी शैली के लिए आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी शब्द का प्रयोग किया गया है किसके दरमियान, तो ये प्रयोग किया गया है किसके लिए, ब्रिटिश काल के लिए। अब अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो इन्होंने अपना सबसे पहला जड़ जो जमाया हुआ था, ये इन्होंने जमाया था बंगाल में, तो सीधे तौर पर ये जो बंगाल शैली है इसी को हम ब्रिटिश काल के प्रारंभ के तौर पर हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करते हैं पहाड़ी शैली की, तो पहाड़ी शैली प्रकृति का मनोहर और सुंदर चित्रण है, लेकिन मुगल काल की हम बात करते हैं तो देखिए मुगल काल के प्रवेश के साथ भारत में उदय होता है किसका, इस्लाम का। और यहीं से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जो शिकार करने की प्रवृत्ति है और इस ओर ध्यानाकर्षण की जो शैली होती है, वह देखिए सबसे पहले तो ऐसे क्रियाकलाप को बढ़ावा मिलता है, और इसके बाद जो आने वाले मुगल शासक थे तो उन्होंने जब यहाँ पे चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण में जब उन्होंने रुचि लिया तो उन्होंने ऐसे बहुत मार्मिक चित्र भी बनवाए। इज द राइट आंसर, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 4 के समय। कह रहा है कि प्रश्न 4 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न 4 कह रहा है कि आपका कह रहा है कि अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी। क्या फारसी चित्रकारों की थी, हिंदू चित्रकारों की थी, कह रहा भारतीय मुस्लिमों की थी, और कह रहा है कि उपर्युक्त में से किसी की भी नहीं थी। तो ध्यान दीजिएगा
कि अगर हम अकबर की बात कहते हैं तो अकबर एक ऐसा शासक था जिसको कहा जाता है कि अकबर, अच्छा एक बात के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि सहिष्णु था या असहिष्णु था। तो ध्यान दीजिएगा, सभी धर्मों को, भले उसने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए उसने विशेष यहां पर योगदान दिया या विशेष रूप से वो आकृष्ट हुआ, लेकिन अकबर एक ऐसा शासक था जो इस्लाम धर्म के साथ अन्य किसी धर्म पर को रोकने या उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए उसको कहा जाता है कि वह सभी धर्म के प्रति क्या था, वह सहिष्णु था। सहिष्णु का सीधा सा मतलब क्या होता है, स्वीकार करने वाला या उसको समान महत्व देने वाला। तो यह ध्यान दीजिएगा कि अकबर एक ऐसा यहां पर कह सकते हैं मुगल काल का शासक था जिसमें सर्वाधिक चित्रकारों की संख्या या सर्वाधिक कलाकारों की संख्या हिंदू की थी, और यह लगभग 13 थी। कितनी थी इसके चित्रकारों में, लगभग मैक्सिमम संख्या कितनी पहुंच गई थी, तो यह 13 थी। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए फारसी, अब जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, हम फारसी चित्रकार की बात करते हैं तो अकबर के समय जो मुगल काल यहां पर स्थानीय स्वशासन के रूप में तेज तीव्र गति से आगे की ओर उभरा, उसमें आपको यह ध्यान देना कि फारस से शासक प्रमुख रूप से सैनिकों को लाए थे, और सैनिकों के साथ जैसे हम मंजूब या मसहर की बात करते हैं तो वह एक आध कलाकार केवल आए थे, कहां से, फारस से। तो ऐसी श्रेणी में आप ये बात याद रखिएगा कि फारसी चित्रकार की संख्या सबसे कम थी। ये हुआ कर भारतीय मुस्लिमों की, तो ध्यान दीजिएगा उन दिनों भारत में मुस्लिम बहुतया नहीं पाए जाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः अप्रासंगिक है और कर उपर्युक्त में से कहीं नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इज द राइट आंसर क्या होगा, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 5 के क्रम पर आते हैं और देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि रज्मनामा, रज्मनामा ग्रंथ क्या है। करा यह अकबर की रज्मनामा एक जीवनी है, करा मुगल राजाओं का इतिहास है, करा महाभारत की एक कथा है, और कह रहा है कि यह रामायण की एक कथा है। तो आपको बताना है रज्मनामा ग्रंथ क्या है। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मुगल काल में, चलिए प्रश्न नंबर 5 के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि मुगल काल में फारसी अनुवाद, मुगल काल में फारसी में अनुवाद प्रमुख रूप से भारत में पाए जाने वाले प्रमुख ग्रंथों का किया गया, जैसे रामायण का भी किया गया, महाभारत का भी किया गया, पुराण, मतलब भारत में जो कुछ भी यहाँ पे ग्रंथ थे, जो इनकी महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकें थी, उसका फारसी में अनुवाद किया गया ताकि जो इस्लाम धर्म के या जो मुगल काल के शासक जो फारस से आने वाले हैं वो यहाँ के धर्म संस्कृति और यहाँ पर धर्म संस्कृति के साथ लोगों की क्या भावनाएं हैं, इन इत्यादि को बेहतर तरीके से समझ करके भारत पर अपना एक अच्छा आदर्श शासन स्थापित करें, इसके लिए प्रयास करने के लिए फारसी में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का यहाँ पर अनुवाद किया गया। और उसी क्रम में रज्मनामा की बात करते हैं तो रज्मनामा महाभारत की कथा का एक प्रमुख रूप से क्या है, यह फारसी अनुवाद है। तो इस द प्रश्न नंबर 5 का इज द राइट आंसर, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाभारत कथा होगा। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न नंबर 6 के क्रम की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा अकबर का आर्ट स्टूडियो कहां पर स्थित था। कह रहा कि अकबर का आर्ट स्टूडियो क्या दिल्ली में स्थित था, फतेहपुर सिकरी में स्थित था, कह रहा जयपुर में स्थित था, कह रहा आगरा में स्थित था। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न बता लेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले, मतलब इसके पहले वाले प्रैक्टिस जो मैं कराया था, जो लगभग आपके पिछले वाले एग्जाम के दरमियान था, मैंने इसको कई बार आपको कराया था और ये इंपॉर्टेंट है, और ये पिछले, जैसा आपको बता होगा, ये पिछली बार में आया हुआ भी था, तो मुझे उम्मीद है ये आप बता लेंगे। चलिए एक बार आप कमेंट करिए, फिर हम इसको यहां पर, हाँ एक बार आप बताएं, हम इसके बाद हम यहां पर बताते हैं। चलिए बिल्कुल,
चलिए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं अकबर के आर्ट स्टूडियो की, तो आपको पता है कि अकबर का आर्ट स्टूडियो कहां पर था? यह था फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। और आपको एक बात और ध्यान देना है कि इसका प्रमुख रूप से वर्णन कहां किया गया। जैसे अगर हम अकबर के आर्ट स्टूडियो की बात करते हैं तो यह किया गया है कहां? आईने अकबरी में किया गया है, आईने अकबरी में। अब यहीं से एक क्वेश्चन आपसे कोरिलेट करके और भी पूछा जा सकता है कि आईने अकबरी का लेखक कौन है, क्योंकि ये तो पता है। ठीक है, अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? फतेहपुर सिकरी में था। और फतेहपुर सिकरी में के जो अकबर के आर्ट स्टूडियो का वर्णन मिला है, यह हमें मिला कहाँ? आईने अकबरी में। लेकिन आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो इस क्रम पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका लेखक है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आएंगे। चलिए बिल्कुल, चलिए। अच्छा एक बार हम आपके कमेंट्स ले लेते हैं और। चलिए बिल्कुल, चलिए प्रश्न नंबर 7 के क्रम की ओर आते हैं, प्रश्न नंबर 7 के क्रम की ओर आते हैं। और चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ बिल्कुल अबुल फजल। अच्छा अनीता सिंह ये बता दीजिएगा कौन सा कोर्स है, अनीता जी ये बता दीजिएगा कौन सा कोर्स है, एक बार हमको रिमाइंडर करा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं जा रहा तो एक बार चेक कर लिया जाएगा, आप ये कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा आपका कोर्स है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। प्रश्न नंबर 7 के क्रम की ओर आते हैं, कह रहा पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया किस क्षेत्र की है? कह रहा कि राजस्थान के पहाड़ियों की है, कह रहा कश्मीर के पहाड़ियों की है, कह रहा पंजाब के पहाड़ियों की है, और डी कह रहा उत्तर प्रदेश के पहाड़ियों की है। बात किसकी हो रही? कह रहा पहाड़ी चित्रकला की, मतलब मुख्यतया सबसे ज्यादा कहां से बनाए गए। तो एक आपको किसी राज्य के एक स्थान का नाम आपको पता होगा जिसका नाम क्या है? जालंधर। यह जालंधर से लेकर के यह हिमालय, देखिए ध्यान दीजिएगा, उन दिनों कश्मीर में क्या हुआ करता था? कश्मीर में आक्रमण, चूंकि उधर पूर्व अफगान की तरफ से कश्मीर में लगातार आक्रमण के खतरे बने रहते थे, इसलिए जालंधर से आगे किसके? हिमालय की पहाड़ियों का, हिमालय की पहाड़ियों का सचित्र वर्णन यहीं से क्या किया जाता था? यहीं से किया जाता था। और उसका कारण यह था कि अगर आप और अधिक उत्तर, मतलब जालंधर से अगर आप, अगर हम ऐसे कहें कि अगर आप इसे उत्तर की तरफ जाते थे तो इधर कश्मीर का एरिया था, और इधर फारस की खाड़ी से थोड़ा सा और भी ले ले, अगर हम वर्तमान ईरान, इराक और अफगानिस्तान की तरफ जाएं तो इधर से लगातार आक्रमण के खतरे बने रहते थे, इसलिए जालंधर से ही हिमालय के सचित्र वर्णन करने का यहाँ पे कार्य किया जाता था। तो इज द राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पंजाब के पहाड़ियां होगा। बिल्कुल, चलिए चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और लेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 के क्रम की ओर आएंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पटना कला शैली का विकास किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या यह यूरोपीय एवं भारतीय शैली से हुआ है, कर यूरोपीय एवं बंगाली शैली से हुआ है, सी कर ईसाई एवं हिंद शैली से हुआ है, और डी कर क्या यह पाल एवं मुगल शैली से हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 8 के लिए आप कमेंट करेंगे, प्रश्न नंबर 8 के लिए आप कमेंट करेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं तो देखिए ये प्रश्न, प्रश्न अच्छा बिल्कुल कमेंट करिए। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके पटना कला शैली के विकास किन दो कला शैलियों में हुआ, तो देखिए यह पीजीटी में पूछा 2000 आपसे 2002 में, फिर ये रिपीट किया पीजीटी, या फिर से रिपीट किया कहां? पीजीटी 2004 में, और ये टीजीटी 2011 का पुनः क्वेश्चन बन गया। तो आप इसको ये बात ध्यान दीजिएगा, ये थोड़े से ऐसे प्रश्नों को मैं ले आया हूं जो सर्वाधिक लोकप्रिय और आपके एग्जाम के मद्देनजर ये काफी रिपीटेड हैं,
कह रहा कि पटना कला शैली का विकास किन दो कला के शैलियों के मिश्रण से हुआ। तो आपको पता है कि पटना की हम बात करते हैं तो बिहार मुख्य रूप से माना जाता है किसका, यूरोपीय शैली के आगमन का। बिहार किसके नाम से जाना जाता है कला के क्षेत्र में, यूरोपीय शैली के आगमन का माना जाता है। तो अब देखिए दो जगह, अब यहाँ पे यूरोप नहीं है सी में, यूरोप नहीं है डी में, तो अब देखिए बचा ए और बी। अब कह रहा है कि यहां पर पटना, तो पटना बात कर रहा है किसका, बिहार का। और उन दिनों बिहार बंगाल और उड़ीसा, बिहार बंगाल और उड़ीसा यह तीन स्वतंत्र प्रांत अलग अलग हुआ करते थे। तो बंगाल, तो इसका मतलब अगर यूरोप पटना शैली में, अगर कला शैली में विकसित हुआ तो इसका मतलब है कि बंगाल उससे बाहर था, बंगाल स्वतंत्र था तो अलग था, तो नहीं होगा बी। ध्यान दीजिएगा, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या यूरोपीय एवं भारतीय शैली। लेकिन अगर यहीं पर भारत की जगह क्या लिखा होता, बिहार लिखा होता, तो भी ये हमारा क्या होता, सही होता। अब चूंकि देखिए भारत की बात किया है तो भारतीय शैली बंगाली शैली भी है भाई, बंगाली शैली भारतीय शैली का ही एक रूप है, लेकिन इसमें बिहार शैली भी शामिल है, इसलिए इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हुआ, चलिए 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 बिल्कुल बिल्कुल आगे की ओर बढ़ेंगे और लेंगे प्रश्न नंबर 9 के क्रम की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 9 के क्रम की ओर आते हैं और प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह क्या कहलाती है। अब आपको एक बात ध्यान देना है, मुगल शैली का पतन और उत्तर मुगल शासन आपको, या उत्तर मुगल शासक आपको इसी में सामंजस्य केवल बैठा देंगे और इस प्रश्न का आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। क्या कह रहा है, करा मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह क्या कहलाती है। करा क्षेत्रीय मुगल शैली कहलाती है, कंपनी शैली कहलाती है, कांगड़ा शैली कहलाती है और कह रहा कि दक्षिण शैली कहलाती है। तो आपको एक बात ध्यान दीजिएगा कि मुगल, अब चित्रकला शब्द हटा दीजिए, आपको इतिहास से कोरिलेट करके समझना, आप कभी भूलेंगे नहीं कि अगर हम मुगल के पतन, मुगल शासन के अगर हम पतन की बात करें तो मुगल शासन के पतन का कारण ही था क्या, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश शासन का आगमन या उसके प्रभुत्व का क्या करना, बढ़ना। हमने इसके पहले के ही प्रश्न में आपको बताया कि ब्रिटिश यहां पर धीरे धीरे जो अपनी जड़ें जमा रहे थे, यह ब्रिटिश शैली चूंकि इनकी एक कंपनी के माध्यम से यहां पर विस्तार हुआ था इनके साम्राज्य का, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी नाम जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर हम बात करें कि इस शैली के चित्रकारी की, तो इसको हमने कंपनी शैली नाम दिया, क्यों, क्योंकि इसका विकास, इसका प्रसार हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा कि मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कंपनी शैली की चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ और यह चित्रकला अपने धीरे धीरे उत्कर्ष पर आगे की ओर बढ़ी। जैसे हम आपको बता दें वर्तमान समय में, जैसे आधुनिक भारतीय चित्रकला में अगर मुगल शैली की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप जरा ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर हम बात करते हैं कनॉट प्लेस की, अगर हम बात करते हैं लाल किला की, तो अब देखिए ये बने तो मुगल शैली में, लेकिन अब उसमें प्रभाव किसका प्रदर्शित हुआ, कंपनी शैली का। इन यहां पर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के चित्रकार या कलाकारों के द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में और अन्य प्रकार के ऐसे कलाकारियों के क्षेत्र में मुगल कला में इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया उसको, उसमें इन्होंने परिवर्तन किया और उसको अपने अनुसार बनाया। जैसे हम बात कर लेते हैं हवा महल की, चाहे जयपुर के हवा महल की बात करिए, और हां कंपनी शैली के आप चाहे स्थापत्य कला की बात करें, चाहे आप कंपनी शैली के आप चित्रकला की बात करें,
किसी भी जिले के सिविल लाइंस में आप जाएं और वहां के प्राचीन इमारतों को देखें, वह सीधे सीधे प्रदर्शित करती हैं या वह यहां पे आपको दिखाती हैं किसकी शैली, वह कंपनी शैली को प्रदर्शित करती हैं। क्लियर हुआ? चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 10 के क्रम की ओर। और प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? करा क्षेत्रीय मुगल शैली को, कंपनी शैली को, यूरोपियन शैली को और करा बंगाल शैली को। चलिए बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 10 के लिए, कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 10 के लिए। चलिए बिल्कुल अनीता जी, आप एक बार ये कमेंट कर दीजिए कि आपका कोर्स क्या है। अच्छा, टीजीटी सोशल साइंस। ठीक है, हम आज कराते हैं टीजीटी सोशल साइंस। बिल्कुल चलिए बात करें किसकी, कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? करा क्षेत्रीय मुगल शैली को, कंपनी शैली को, यूरोपियन शैली को। चलिए बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है, 10 का सी बता रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ चलिए बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, बात कर रहा है इसने किसकी, बंगाल शैली की बात कर रहा है। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि बंगाल शैली को यहां पे कह रहा है कि आप पुनर्जागरण की बात कर रहा है, तो चाहे वह मुगल चित्रकला हो, चाहे वह राजस्थानी चित्रकला हो, चाहे वह अन्य किसी भी प्रकार के जो भारतीय पारंपरिक चित्रकला थी उसके पतन के पश्चात भारतीय चित्रकला को आगे बढ़ाने के लिए, अब चूंकि बंगाल शैली, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो पटना शैली थी वह पूर्णतः मिश्रण थी। किसका? पटना शैली पूर्णतः मिश्रण थी। हमारे यहाँ पे फारसी जो चित्रकला था या फारसी चित्रकार थे उनके समन्वय से चित्र बनाए गए थे, लेकिन बंगाल शैली में कुछ भारतीय चित्रकार जिनको संरक्षण देकर के स्वतंत्र रूप से चित्रकारी के लिए उभारा गया, इसमें आप कह सकते हैं टैगोर शैली, या आप बंगाल शैली को कह सकते हैं पुनर्जागरण शैली भी कह सकते हैं, या पुनरुत्थान शैली भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 10 का, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आएंगे प्रश्न नंबर 11 के क्रम की ओर और देखिएगा प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि वास पेंटिंग का प्रारंभ किस महाविद्यालय से हुआ था? कह रहा कि अच्छा एक सेकेंड, वास पेंटिंग का प्रारंभ, कह रहा वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ था? कह रहा लखनऊ, पटना, शांति निकेतन और बात कर रहा है किसका, दिल्ली का। दिल्ली का, ध्यान दीजिएगा। चलिए बिल्कुल हाँ, वास पेंटिंग को अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, वास पेंटिंग को कहा जाता है क्या, जल तरंग। मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि सूखे रंगों में जल के मिश्रण के माध्यम से चित्रकारी का किया जाना। तो वास पेंटिंग का प्रारंभ करा किस यहां पे कला महाविद्यालय से हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांति निकेतन। अब यहीं से एक प्रश्न आपके एग्जाम में और बनेगा कि शांति निकेतन महाविद्यालय कहां पर है? तो ध्यान दीजिएगा, यह विद्यालय था कोलकाता में। कहां था? कोलकाता में। और कोलकाता और कहां है, तो अगर आपसे राज्य का नाम पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कहां, पश्चिम बंगाल। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन ये उस समय एक ही नाम से जाना जाता था, और इसका क्या नाम था, केवल और केवल बंगाल था। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न नंबर आएंगे 12 के क्रम की ओर आएंगे और देखिएगा प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है। करा डेविड की पेंटिंग सुकरात के मृत्यु, मतलब डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? किस कलावाद के अंतर्गत आती है?
करा शास्त्रीयवाद के, नव शास्त्रीयवाद के, यथार्थवाद के और करा के उत्तर यथार्थवाद के। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम सुकरात के मृत्यु के कलावाद, मतलब यहाँ पे सुकरात के मृत्यु की अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं, तो यहीं से जन्म लेता है क्या, यहीं से जन्म लेता है नव शास्त्रीयवाद। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहीं से शुरू हुआ नव शास्त्रीयवाद, मतलब जो हमारी प्राचीन कला थी उसे धीरे धीरे अब इनोवेशन, नवीनीकरण की बात कर रहा है, कुछ नवीन आधुनिक यहां पर क्या कर रहा है कि कुछ नवीन आधुनिक अब शैलियों के मिश्रण से आप प्राचीन परंपराओं वाली शैली को जो था उसको विकसित और भी अधिक प्रसारित करने की बात कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 के क्रम की ओर आएंगे, कह रहा भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहां खुली, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहां खुली। तो ध्यान दीजिएगा ये बात कर रहा है कि इसकी विज्ञापन एजेंसी कह रहा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कह रहा कि कोलकाता, इसमें से कहां पर खुली थी। तो ध्यान दीजिएगा अगर भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की बात करते हैं तो यह घटना है कब की, यह है 1780 ईस्वी की, कब की है 1780 ईस्वी की है। और पहले विज्ञापन एजेंसी की बात करते हैं तो यह बंगाल के कोलकाता में खोला गया। और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि भारतीय चित्रकला का सर्वाधिक जो पुनर्जागरण या कह सकते पुनरुत्थान, क्योंकि मुगल कला ने दबाने का प्रयास किया, कंपनी शैली ने दबाने का प्रयास किया और अन्य प्रकार के जैसे ईरान इराक के प्रभाव ने भी दबाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय शैली को पुनः जीवित करने का श्रेय जाता है किसको, बंगाल शैली को जाता है। और यह हमारा कहां 1780 ईस्वी कलकत्ता है। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले क्रम की ओर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि छपाई कला की खोज कहां हुई थी, छपाई कला की खोज कहां हुई थी। कह रहा है कि इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, चीन में हुआ था और कह रहा है क्या भारत में हुआ था। आपको ये बात ध्यान भी देना है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो आने वाले एग्जाम होंगे उनकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। उसके पीछे कारण यह है कि जिस प्लेस पर प्रारंभ हुआ था, मतलब जिस प्लेस पर यह प्रारंभ हुआ था, वर्तमान समय में वह सबसे ज्यादा हाईलाइटेड देश भी बना हुआ है और वह कई घटनाओं के कारण चर्चा का विषय भी है। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है। कह रहा लेखनी है, कूची ब्रश है, शैली है और कह रहा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है। आपको प्रश्न नंबर 15 के लिए कमेंट करना, हम आपसे यहां पर, हाँ चलिए बिल्कुल कमेंट ले लेते हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए कला के संदर्भ में कलम का पर्याय की बात कर रहा है। तो देखिए कला के शैली में जो कलम होता है ये चित्रकारी किए जाने वाले किसी ऐसे पेन कलम या चित्रकारी किए जाने वाले ऐसे किसी उपकरण से नहीं होता है जो वर्तमान समय में आपके दिमाग में आ सकता है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कला के संदर्भ में हम कलम की बात करते हैं तो वह बनाए जा रहे किसके, बनाए जा रहे शैली के संदर्भ का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है, बनाए जा रहे जिस भी शैली का आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी शैली को प्रदर्शित करता है। अतः कला के संदर्भ में कलम का सीधा सा मतलब क्या होता है, शैली होता है। जैसे आप बार बार कहते हैं मुगल शैली में, पटना शैली में, कंपनी शैली में, तो ये अवजात जैसे आप कहें कि भरहूत में बनाया गया, अजंता एलोरा की गुफाओं में आप विविध प्रकार की शैलियों की बात करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहां है, चट्टान काटकर के बनाया गया द्रौपदी रथ करा एलोरा की गुफाओं में पाया गया, पुरी में पाया गया, हम्पी में पाया गया, महाबलीपुरम में पाया गया। आप एक बात केवल याद रखेंगे, अगर आप रथ की बात करते हैं तो अब चूंकि रथ जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, आप चले जाते हैं पुरी और अगर आप पुरी मार देंगे तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा
द्रौपदी के रथ का प्रमुख रूप से जो यहाँ पे कह सकते हैं कि पत्थरों की एक रथ की श्रृंखला जो उस समय स्थापत्य कला के तौर पर सबसे मार्मिक और कह सकते हैं कि एक सबसे आदर्श रूप में उभारी गई नारी चित्रण का एक जो प्रतिरूप बनाया गया यह है कहाँ? महाबलीपुरम। कहाँ है यह? है प्रमुख रूप से महाबलीपुरम। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध यहाँ पर थे? करा अर्थशास्त्र के लिए, धनुर्विद्या के लिए, ज्योतिष के लिए, करा खगोल शास्त्र के। प्रश्न नंबर 17 ये इतिहास का प्रश्न है, आप बहुत अच्छे से बता देंगे। चलिए बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है। चलिए बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है। एक बार आप कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 17 के लिए, एक बार आप कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 17 के लिए आप कमेंट करेंगे। चलिए बहुत सारे लोगों का 17 का ये आ रहा है। हाँ बिल्कुल, 17 का ये आ रहा है। चलिए बिल्कुल 17 का, बहुत सारे लोगों को 17 का ये बता रहे हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर हम चाणक्य की बात करते हैं तो इनका सीधा सा संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त से है। और ध्यान दीजिएगा ये मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री। और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। और इनकी एक विशेष पकड़ थी किस क्षेत्र में? राजनीति के क्षेत्र में। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी इसके लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। अतः प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए और प्रश्न नंबर 18 बहुत ही शानदार प्रश्न होगा। कह रहा है कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? कह रहा तोरह के नाम से जाना जाता है, जैन अवेस्ता के नाम से जाना जाता है, कुरान के नाम से जाना जाता है, और कह रहा है क्या यह गीता के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है अगर हम गीता की बात करते हैं तो गीता का सीधा सा संबंध क्या है? हिंदू है। और अगर हम कुरान की बात करते हैं तो यह इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक के रूप में जाना जाता है। और अगर हम तोरा की बात करते हैं थोड़ा सा अप्रासंगिक है। जैन अवेस्ता की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यह पारसियों का पवित्र ग्रंथ है और इसके साथ ही साथ उनके धर्म संस्कृति का एक सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि जो प्राचीन कला का उसमें चित्रण भी आसानी से प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 18 का द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आज के लिए था महत्वपूर्ण आपका क्या? टीटी आर्ट का प्रैक्टिस। अब आगे आप एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे बात करते हैं तो हाँ चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं आपसे कि आप, चूंकि हमारी प्रैक्टिस लगातार 8 से 9 आप भी चलती रहेगी, लेकिन आप व्यवस्थित क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आप चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज आप क्लास करके आप अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए क्या, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, जाएं अपने गूगल प्ले स्टोर में और गूगल प्ले स्टोर में आप जा करके वहां के सर्च बॉक्स में जाएं और सर्च बॉक्स पर लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद सर्च करेंगे तो वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आएगी और उस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट अकाउंट में जाएंगे और क्रिएट अकाउंट के अंतर्गत अपने से आप अपना नाम डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें, अपने पसंद से आईडी बनाएं, अपने पसंद से पासवर्ड बनाएं। लेकिन हाँ, आईडी पासवर्ड बनाते ही समय आप उसे नोट करके रख लें और जैसे ही आप आगे रजिस्टर करते हैं वैसे ही आपको 4 अंकों की ओटीपी मांगेगा। आप 1 से 2 मिनट इंतजार कर लेंगे, ओटीपी आ जाती है और ओटीपी जैसे ही डाल करके आप आगे की ओर बढ़ते हैं
सबमिट करते हैं वैसे ही ऐप लॉगआउट हो जाएगा और आपने जो आईडी पासवर्ड डाला था उसको नोट किया था उसको डाल करके लॉगिन कर लें और आप अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, वीडियो कोर्स मिलेगा। वीडियो कोर्स पर सर्च के ऑप्शन पर जाएं और वहां आसानी से आप लिखें क्या, टीजीटी आर्ट लिखें और टीजीटी आर्ट के अंतर्गत आप फुल कोर्स पर क्लिक करें और फुल कोर्स पर आप परचेज ऑप्शन पर जाएं और अप्लाई कूपन कोड C2020 आप यूज करें और एक व्यवस्थित क्लास के क्रम की ओर लगातार आगे की ओर बढ़े। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाएं, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद लिखें, ऐप को इंस्टॉल करें, अपने से आईडी पासवर्ड बनाएं, वीडियो कोर्स पर जाएं, टीजीटी आर्ट सर्च करें और टीजीटी आर्ट फुल कोर्स पर जाएं और वहां कैपिटल C2020 क्लिक करें और जैसे ही आप करेंगे 30% आपके फीस में डिस्काउंट हो जाएगा और आप आसानी से अपने एडमिशन लेकर के आप अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आप किसी भी सहायता के लिए हमें 8299310097 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप 99 36 44 45 60 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अभी जो हमने प्रैक्टिस कराया इस प्रैक्टिस को आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल के में टेलीग्राम, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम ऐप पर भी आप यहां पर टाइप करें क्या, आप टाइप करें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद आप सर्च करने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शन आएगा ज्वाइन का और आप ज्वाइन करके आसानी से इससे पहले के भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अभी के भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल, ऐप पर संडे को क्लास ऑफ रहती है। चलिए बिल्कुल, चलिए सब चलिए एक बार आप कमेंट ये जरूर करेंगे, क्लास कैसी लगी, आपको प्रैक्टिस कैसी लगी, एक बार फीडबैक देने के बाद ही तब यहां से आप सभी लोग जाएंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और फिर कल मुलाकात करते हैं 8 बजे TGT 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।